सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष की तरह हरिद्वार स्थित ऋषिकुल में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से आए लोगों ने अपने अपने शहरों की कला का प्रदर्शन किया। इसके साथ उत्तराखंड की कला को भी उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश किया। ऋषिकुल में लगा ये मेला नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी तक लगा रहेगा। मेले के आयोजक CP शर्मा ने बताया कि ऋषिकुल मेले में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अल्मोड़ा से लेकर जम्मू कश्मीर तक के स्टॉल लगे हुए हैं। इन शहरों के तमाम लोग कुछ खास चीज़ों को हरिद्वार में लेकर आए हैं। इसी के साथ इस मेले में मिनी भारत की झलक भी देखने को मिली है। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र को CCTV कैमरों की निगरानी में रखा गया है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन इस मेले में किया जा रहा है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। तो इससे जो है वो भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है और जो हस्तशिल्पी कारीगर हस्तशिल्पी का काम कर रहे हैं, जो अपने हाथ से सामान तैयार कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना है। इसके लिए भारत सरकार ने उनको आने जाने का निःशुल्क किराया मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। यहाँ पे जो वो 10 दिन बैठ रहे हैं उसका DA मिलेगा, सामान लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं उनको ये तसल्ली मिलेगी कि अगर वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े रहे तो इसी प्रकार भारत सरकार उनकी मदद करती रहेगी।